जय गणेशा। आज मैं आपके साथ एकदम नई रेसिपी, नई कढ़ी की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। ये बैगन की कढ़ी है, इसमें टमाटर भी डलता है, दही भी डलता है, बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है, आप एक बार बनाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो बैगन की क्योंकि कढ़ी बना रही हूँ मैं, तो इसके लिए मैंने एक बैगन लिया है, करीब एक पाव बैगन है मेरा, इसको मैंने धुल करके साफ करके रख लिया है। और तीन से चार मैंने टमाटर लिए हैं छोटे साइज के, और एक प्याज ली हूँ, चार मिर्च ली हूँ हरी मिर्च, चार से पांच कली मैं यहाँ लहसुन की ली हूँ। सबको हम काट लेंगे बैगन को छोड़ करके, अभी बैगन हम बाद में काटेंगे जब इसको छौंक लगाना होगा। तो यहाँ मैं कढ़ाई में दो चम्मच तेल डाल के, सरसों का तेल डाल करके गरम कर ली हूँ। तेल मेरा गरम हो चुका है और मैं एक चम्मच इसमें राई डाली हूँ, एक चम्मच जीरा डाली हूँ और एक चम्मच में मेथी डाली हूँ छोटे चम्मच से, और करीब एक चौथाई चम्मच में यहाँ हींग डाल रही हूँ। फिर इसके बाद मैं ये लहसुन डालूँगी। लहसुन डालने के बाद अब मैं इसमें मिर्च डालूँगी, अच्छे से इसको चला लेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, जो एक प्याज मैं ली थी उसको बारीक काट करके प्याज डालूँगी। प्याज को अच्छे से चला लेंगे, हल्का सुनहरा कलर आने तक इसको चलाते रहेंगे हम। ये देखिए हमारी प्याज में हल्का सुनहरा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि एकदम डार्क कलर भी अच्छा नहीं लगता है कढ़ी में, और हल्दी को हम चला लेंगे। इसके बाद मैं जो टमाटर ली हूँ उसको डाल करके अच्छे से मिला लेंगे और इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने रख देंगे। तब तक मैं बेसन और दही का पेस्ट बना लूँगी। तो इसके लिए मैं एकदम फ्रेश दही ली हूँ, थोड़ा सा दही ली हूँ क्योंकि हम टमाटर भी डाल रहे हैं तो उसका भी फ्लेवर आएगा खट्टा, तो एकदम फ्रेश दही रहना चाहिए हमारा, खट्टापन एक भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि खट्टी दही रहेगी तो टेस्ट ख़राब हो सकता है। और टमाटर और ये फ्रेश दही का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं यहाँ आधा कप दही ली हूँ, फ्रेश दही, और दो चम्मच बेसन डाली हूँ इसमें। मिक्सी के जार में हम इसको डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल करके इसको चला लेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह नहीं रह जाएंगे, और ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होती है। अब देखिए हमारा ये टमाटर जो था ये पक चुका है। अब इसमें हम जो पेस्ट बना कर रखे थे उसको डाल देंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितना हमको चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे हम इसमें। बहुत अच्छी बनती है, मेरी होममेड कढ़ी है, मैं ना कोई वीडियो देखी हूँ ना कुछ, मैं घर ही में इसको बनाती हूँ हमेशा और सबको पसंद आती है। अब इसको हमको उबाल आने तक इसी तरह चलाते रहना, क्योंकि इसमें दही डली है तो ये फटने का डर रहता है, इसलिए उबाल आने तक। आप देखिए हमारी ये कढ़ी में उबाल आ चुका है, इसको साइड में धीमी आंच में चढ़ा करके 5 मिनट तक हम पकाएंगे। और एक पैन में मैं ये तेल गरम करने को रख दी थी, अब इसी टाइम हम बैगन को काटेंगे क्योंकि बैगन काले पड़ जाते हैं और हम पानी में भी नहीं डाल सकते बैगन, क्योंकि उसमें पानी भर जाएगा तो तेल में हम डालेंगे तो वो छिटकेगा, इसलिए मैं यहाँ डीप फ्राई कर रही हूँ बैगन को। आप चाहें तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से जल्दी बन जाएगा ये और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। सैलो फ्राई करने से भी टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, पर मुझे थोड़ा सा जल्दी है इसलिए मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। सुनहरा होने तक इसको हम ऐसे तल लेंगे बैगन को, और देखिए हमारा पक चुका है, ये सुनहरा हो चुका है। इसी तरह हम सारे बैगन को तल लेंगे इसमें, और ये हमारी कढ़ी को 5 मिनट हो चुका है, ये देखिए पक चुकी है हमारी कढ़ी अच्छे से, थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हमको इसमें बैगन डाल देना जो हमने तल करके लिए थे, और इसको हम मिला देंगे, बहुत टेस्टी लगती है हमारी ये कढ़ी। आखिर में हम इसमें नमक डालेंगे, पहले नहीं डाले थे, और इसको
मिला करके 2 मिनट के लिए इसको धीमी आंच में हम पकने को रखेंगे ताकि बैगन का फ्लेवर इसमें आ जाए। बैगन का फ्लेवर इसमें आना जरूरी रहता है, इसलिए बैगन डालने के बाद हमको 2 मिनट पकाना जरूरी रहता है। फिर इसमें इसको हम तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। तड़का के लिए मैं एक पैन ली हूँ, इसमें बटर ली हूँ मैं, आप चाहे तो घी या तेल भी ले सकते हैं। मैं बटर डाल करके इसको गर्म कर रही हूँ। अब इसमें मैं राई डाली हूँ, थोड़ा सा राई डाली हूँ आधी चम्मच, और ये खड़ा धना डाली हूँ आधी चम्मच, थोड़ा सा हींग डालेंगे हम, और ये हमारा तड़का तैयार है। अब इसको हम गैस बंद करके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। आखिर में हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और फिर इसका तड़का लगा देंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, हमारे बैगन का फ्लेवर आ चुका है कढ़ी में। अब आखिर में हमको इसको तड़का लगा देना है। इतनी बढ़िया हमारी कढ़ी बन करके तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम डिलीशियस लगती है ये खाने में। ये मेरी होममेड कढ़ी है, मैं कहीं से नहीं देखी हूँ, इसको मैं खुद ही बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है, इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, चावल के साथ, चाहे जिसके भी साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप एक बार बनाइए और इसको खा करके देखिए, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका टेस्ट। अब हम इसमें हरी धनिया डाल करके थोड़ा सा फाइनल टच दे देते हैं।